कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं आप लोगों को एक चीज दिखाऊं। मैंने देखो ना, ब्लाउज बनाया है, डिजाइन वाला। तो ये वाली स्लीव चली है, ये बनाई हूँ मैं। इसमें देखो, ये आस्तीन है और देखो, प्रिंसेस कट में मैंने ये ब्लाउज बनाया है। तो मैं सोची आज ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ आप लोगों को कपड़े दिखाने से। तो ये देखो, ये मतलब अच्छे से दिख नहीं रही है। हाँ, अब आएगी। ये आस्तीन चली है ना, पफ वाली, हाफ पफ की, ये वो है। और बैक एंड फ्रंट में उन्होंने गोल बोला था, तो मैंने गोल ही बनाया है। प्रिंसेस कट में है पूरा ये। एक ये ब्लाउज है और ये है, ये फुल पफ है। वो हाफ पफ चला ना वो, और ये फुल पफ में मैंने बना लिया है। ये बॉर्डर वाली जो आस्तीनें चल रही ना वो है। और ये भी प्रिंसेस कट है। देखो, दोनों एक ही घर के ब्लाउज है, बट अलग अलग पर्सन के हैं। तो ये है, ये भी प्रिंसेस कट है। और इसमें मैंने ये वाली लटकन बनाई है सिंपल सी, और इसमें ये वाली। उन्हें प्लेन चाहिए था, तो ये दोनों है ना, ये मैंने डिजाइन किया है यहाँ पे। और एक ये सूट आया, एक ये ब्लाउज आया था, इसे ढीला करना था तो इसको ढीला कर दी हूँ। इनका पहले का बना था। अभी एक कुर्ती आई, वो कुर्सी में देख रहा हो ना, स्कूल की कुर्ती है, वो भी सिलना है। सेम टाइम नहीं मिल पाता कुछ भी करने का, ब्लॉग बनाने का, सिलाई बिजी रहो। तो अभी मैं जा रही हूँ घर के काम करने। तो यहाँ से अब पूरे देखो बिस्तर रखे हैं, क्योंकि अभी उन्हें मॉर्निंग में ब्लाउज लेके जाना था। मैंने कहा जल्दी जल्दी तुरपाई वगैरह कर देते हैं फिर करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप लोगों से बात करने के बाद मैं लग गई थी बिस्तर वगैरह हटाने के लिए। और ये पिलो मैं कवर चढ़ा रही हूँ, बड़ी वाली पिलो है ना, जो मैं पैर के नीचे रखती हूँ। तो इसमें बहुत दिन से कवर निकला हुआ था, धुल भी दी थी मैं, बस थोड़ी सिलाई खुली थी ना, तो फिर मैंने सिलाई करके मैं कहीं आज लगा ही देते हैं। और टीवी चल रही थी, सीरियल चल रहा था, या कुमकुम भाग या समथिंग, ऐसे कोई सीरियल चल रहा था, तो वही मैं देख रही थी। इस टाइम मुझे सीरियल जो है ना अच्छे लग रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं इस कारण से। तो यहाँ पर तकिया में कवर चढ़ गया। सारी जो पिलो हैं उन्हें भी हटा दूँगी, और जो आप पीछे मेरे टेबल देख रहे हो ना, उसके ऊपर मैं सारा बिस्तर रख देती हूँ। पलंग रखने के नीचे जगह नहीं है, जगह है वैसे, अगर हम पलंग रख भी देना तो भी स्पेस है, मगर रात में गाड़ी खड़ी करनी पड़ती, इस कारण से हमने पलंग नीचे नहीं रखा। ज़्यादा बड़ा घर नहीं है, तो इस कारण से पलंग ऊपर वाले कमरे में है, सिर्फ नीचे गोदरेज, फ्रिज और ये टेबल है सामान रखने की। और टेबल में नीचे खंधे में मैं अपनी सिलाई का सामान रखती हूँ, जैसे जो सिलाई का आता है ना, कपड़े वगैरह, वो रख देती हूँ। तो इस टाइम है ना सिलाई आने लगी, तो उसी में बिजी रहती हूँ, ब्लॉग भी नहीं आ पाता है, और ब्लॉग बनाने का मन भी नहीं हो रहा है इस टाइम। बट सोच जब जब मैं सोचती हूँ ना, कंटिन्यू रहूँ, वीडियो बनाऊँ, ब्लॉगिंग करूँ, पता नहीं किस चीज़ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि मेरा मूड अपसेट हो जाता, फिर बनाने का मन नहीं करता है। तो सारी बातों को साइड करते हैं। और यहाँ पे है ना सारा बिस्तर वगैरह हटा दूँगी मैं। ये बेडशीट है ना बिछाने ही वाली रहती है, जो हम रात में बिस्तर डालते हैं तब अच्छे से निकाल के झाड़ देते हैं। और आज मुझे बहुत जल्दी जल्दी काम करना है, क्योंकि कुर्ती सिल के देना है, स्कूल की कुर्ती थी वो भी सिलना था। और सच बताऊँ, अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैं सिल नहीं पाई, क्योंकि जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पर धागा नहीं मिल रहा है, और मैं मार्केट गई थी तो लाना भूल गई हूँ। और मार्केट यहाँ से दूर है, समथिंग 2 या 3 किलोमीटर दूर मार्केट है। तो अब जब ये ऑफिस से आएंगे तब धागा लाएंगे, फिर मैं कपड़े सिलूंगी। और ये टी शर्ट मेरी लॉन्ग है, कुर्ती जैसे होती है ना उतनी हिसाब से ये टी शर्ट है, तो ये मुझे सही लगती है, क्योंकि जब घर जाऊंगी ना मैं, जैसे अपने ससुराल, तो वहाँ भी रात में सोते वक्त पहन सकते हैं, छोटी टी शर्ट तो पहन नहीं सकते, इसलिए मैंने लॉन्ग ली है कि वहाँ है ना पहनने के लिए। और ये अच्छी सस्ती मिल जाती, 300 में 2 आराम से मिल जाती विशाल में। और जैसे सिंगल लेना चाहो तो सिंगल 199 की मिलती है, डबल 299 में, 100 ज़्यादा लगते हैं, डबल मिल जाती है, तो सही पड़ती है ना, इस कारण से मैं इसको वहीं विशाल से ली थी। और इसका कपड़ा बहुत सॉफ्ट है और अच्छा है। फिर दोपहर का टाइम हो गया था, मैंने झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ किए घर का काम करने के बाद। फिर रात में मैंने इडली बनाया था, वही बैटर बचा हुआ था, तो मैं सोची अपने लिए इडली बना दूँ, इनके लिए चावल बना दूँगी, ये सांभर में है ना खा लेते हैं चावल। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे भी इडली खाना है, आप अपने लिए नहीं मेरे लिए भी बना देना। तो फिर मैंने इडली बनाया दोनों के लिए, और एक एक ही बार में हो गया था। एक बार में जैसे 16 इडली बनती है,
तो आराम से हो जाता है 16 इडली में दोनों लोगों को, और बहुत छोटा है ये, तो मैंने सोच रखा है जब पैसे होंगे ना तो मैं, मेरे को लेना है छोटा 2 लीटर का कुकर, और ये इडली का ये है ना इडली मेकर, मुझे थोड़ा बड़ा लेना है जिसके साथ में आप रख के बना लो, तो मैं सोच रखी हूँ जब पैसे होंगे तो ज़रूर लूँगी, और ये स्टील के भगोने में डाल के मैं इसको है ना बना दूँगी, तो ये बन जाएगा। सांभर रात का रखा हुआ है तो वही काम आ जाएगा। और इडली, जैसे इडली मुझे है ना बहुत पसंद है, इडली पसंद है, बेसन का चीला, सूजी का चीला, ये चीज़ें मुझे खाने में बहुत पसंद है, क्योंकि जब मैं डाइट करती थी ना तो यही चीज़ें खाते हैं। जब आप डाइट करो तो आपको तेल की चीज़ें नहीं खाना चाहिए, तो इस कारण से मुझे ये सब चीज़ें खाने की आदत है। और ये स्टैंड आप देख रहे हो ना, ये आपको फ्लिपकार्ट में आराम से 200 या 250 में आराम से मिल जाएगा, मॉल में भी मिल जाता है 199 का। तो अगर आप बड़ा वाला नहीं लेना चाहते ना, तो अगर छोटी फैमिली है 2 पर्सन 3 पर्सन के हिसाब से ही सही है। और इसमें 16 इडली एक बार में बन जाती हैं। और आज का मेरा बेटा ना थोड़ा पतला हो गया था, पता नहीं कैसे मैं ध्यान नहीं दे पाई, इन्होंने पीसा था ना मिक्सर में, तो या पानी डाल दिए होंगे या कुछ भी, मुझे ध्यान नहीं दी और मैं फर्मेंट होने के लिए रख दी। फर्मेंट तो अच्छा हो गया था, बट यही गलती हो गई ना कि थोड़ा पतला हो गया। जैसे बैटर पतला नहीं होता ना तो बहुत अच्छी इडली बनती है, तो रख देते हैं। और इस टाइम है ना अचानक, मैं कुछ डाइट अभी नहीं कर रही हूँ, सिर्फ थोड़ा एक्सरसाइज कर रही हूँ, और जो मैं घर से लेके तो आई फ्रेंड थी, मैं इडली है ना चढ़ा दी हूँ बनने के लिए। ये पता है क्यों रख दी हूँ? भारी चीज़ जिससे कि एयर बाहर पास ना हो, तो अभी इडली बनेगी थोड़ी देर से है ना, क्योंकि 10 मिनट तो लग ही जाएंगे और इनको आने में भी टाइम है, तो इनके लिए है ना बाद में चावल बना दूंगी। ये सांभर के साथ चावल खाने की कह रहे थे, तो ये चावल खाने कह रहे थे, मैं इडली खाऊंगी। तो आप लोगों से मिलूंगी मैं थोड़ी देर बाद, थोड़ा घर का जो बाकी देखो सब साफ सुथरा, ये छोटा सा पेपर था वो मैं काट रही थी, तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर से। तो घर से मैं जो पाउडर लेके आई थी वहाँ से ख़रीद के, तो उसमें से मुझे बहुत फ़र्क मिला, मेरे इंचेस कम हो रहे हैं। और यहाँ पे है ना मैं फर्स्ट टाइम ये कटहल काट रही हूँ, पता है मुझसे नहीं आता है। कुछ लोग है ना हंसिया वगैरह होती ना उससे काट लेते, मुझसे नहीं आता, और मुझे डर लग रहा था कि हाथ में नहीं लग जाओ, और बहुत ज़्यादा टाइट थी ये। मम्मी घर में काटती हैं, और जब यहाँ जाओ तो भाभी काटती हैं यहाँ पे, और जब मैं सतना जाती हूँ तो वहाँ मेरी भाभी काटती हूँ। लोगों से हंसिया से बनता, मुझसे नहीं बनता। मैंने बहुत कोशिश करके और काटी थी, बट ये बना था ना तो जल्दी हो गया था, अच्छी कटहल थी। मैं सोची हूँ अचार डालने के लिए लाऊं, बट देखते हैं लाएंगे कि नहीं। और ये साफ़ सफाई कर रहे हैं, जहाँ पे तस्वीर वगैरह रखी ना वहाँ पे साफ़ सफाई कर रहे हैं। ये ऊपर आएंगे ना तो इनकी आदत है, जहाँ फ़ोटो वगैरह रखी ना चिराग वगैरह जलता है वहाँ साफ़ सफाई करते। और ये मैं लेके आई थी मॉल से 30-30 रुपीज़ की मैट सी है, जो आप है ना डाइनिंग टेबल में लगा सकते हो, तो ये वही मैट है सॉफ्ट सी, तो उसके ऊपर है ना फ़ोटो रख देंगे, और बहुत अच्छी है गद्दी सी एकदम। फिर हम ऊपर से नीचे आ गए थे, मैं बना रही थी खाना, और खाना बनाते बनाते लाइट गोल हो गई थी, मैं सोची जल्दी बना लूं, क्योंकि बिजली बहुत ज़्यादा कड़क रही थी, बारिश होने का मौसम था, और मुझे खिड़की बंद करके बनाना पड़ रहा, इस वजह से ना उजाला नहीं आ रहा है, सिर्फ जो फ्लैश लाइट चल रही है और किचन की जो लाइट चल रही उसके उसी में मैं ये बना रही हूँ। तो ये मैंने ले लिया है कढ़ाई, उसमें डाल दी सरसों का तेल, हम लोग सरसों के तेल की सब्ज़ी खाते हैं ज़्यादातर, तो उसमें डाल दी जीरा, जीरा चटक जाए तो आपके पास तेज पत्ता हो तो वो भी डाल लो, मेरे पास है बट ऊपर रखा है। और ये ऊपर कमरे में थे, और जहाँ पे रखा है तेज पत्ता वो ऊंचाई में रखा है, जो पटली लगी वहाँ पे, तो फिर मैंने तेज पत्ता नहीं डाला। ऐसे ही जो मैंने प्याज लहसुन टमाटर सारा कुछ पीस के रखी थी डाल के थोड़ी देर भुनने देंगे, मैंने गैस हल्की धीमी कर दी है, और जब जब धीमा करो ना गैस है ना बुझ जाती है, ये देखो आप लोग, तो मैंने ढक के थोड़ी देर पकने देंगे। और सब्ज़ी है ना टेस्टी बनी थी, ये कह रहे थे अच्छी बनी है, और मैंने सोचा था पूरी रेसिपी शेयर करूँ मैं किस तरीके से बनाती हूँ, मगर लाइट गोल होने के कारण ना फिर मैं बना नहीं पाई वीडियो, तो ज़्यादा वीडियो नहीं बन पाई रेसिपी की, थोड़ी बनी है। और पता है मैं कटहल तलना भूल गई थी, तो फिर मैं दूसरी कढ़ाई ली, उसमें कटहल तलने के लिए रख दी, तल रही है कटहल, फ्राई हो रही है। और यहाँ पे मैंने जो भी बेसिक मसाले होते हैं ना वो सारे डाल देंगे, गलती से अमचूर पाउडर डालने वाली थी फिर मैंने नहीं डाला, तो अब मैं डाली हूँ हल्दी, थोड़ा थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा मिर्च पाउडर, क्योंकि मैंने लाल मिर्च पीसी भी है, और साइड में कटहल को मैं फ्राई कर रही हूँ जिससे कि फिर ये अच्छी हो जाए। इसके
उसके बाद फिर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई रेसिपी की। और क्या करें, जब मसाला भुन जाए ना, उसमें आप है ना कटहल डाल के, पानी डाल के और गरम मसाला हो गया और सब्ज़ी मसाला डाल के थोड़ी देर ढक दे तो अच्छी पक जाती है। और ये देखो, जैसे मैं यहाँ के बाद जाऊँगी फिर हम घर की लाइट गोल हो जाती है। और आप ये देख रहे हो ना, ऊपर पटली लगी है, मुझे पानी दे रहे थे, पानी गर्म था, मस्ती करने के लिए लेके आए थे, कह रहे थे लो पानी पी लो, बट पानी गर्म था। अभी मैं सारी बॉटल भर के रख दूँगी फ्रिज में। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ, फ्रिज कैंपर रखा है, तो सारी बॉटल जितनी खाली थी तो भर देंगे और फिर जो भी छोटे मोटे काम होंगे तो वो करूँगी। और अभी सिलाई भी करना है, बट सिलाई करने का भी मन बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि पैर वाली मशीन है ना, तो पैर में बहुत ज़्यादा पेन होता है, चला आदत मोटर वाली मशीन की है ना, इस कारण से। यहाँ पे खुशबू आ गई थी, बात कर रही थी, किसी को ब्लाउज सिलाना था तो उनके बारे में बता रही थी, और कह रही थी चाची वीडियो बन रही है। तो मैंने कहा हाँ, यहाँ मैंने बताया है ना कि मैं वीडियो बनाती हूँ, तो वही ब्लाउज के बारे में मुझसे बता रही थी। और मैंने ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं बनाया, तो उनको शायद अस्तर वगैरह कुछ लेना था या देखना था, तो मैं अस्तर भी रखी हूँ देने के लिए, जैसे कोई सिलवाने आता है ना तो वो लोग बोलते हैं कि अस्तर है कि नहीं, तो अस्तर भी है मेरे पास धागे में, तो वही मैं उसको बता रही थी कि है, गोदरेज में रखा है, तो अभी देंगे तो यहाँ पर बॉटल भर जाएंगी, तो फ्रिज में सारी बॉटल रख दूँगी। और ये ऊपर कमरे में थे, फिर मैं अभी चली जाऊँगी ऊपर कमरे में थोड़ी देर बैठने के लिए। ऊपर क्या होता है, हवा आती है अच्छी सी, और वीडियो सही नहीं आ रही थी, तो मैंने दरवाजा लगवा दिया था कि अब आ रही है कि नहीं। तो आज का ब्लॉग बस यही है, छोटा सा ब्लॉग, कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में बताना। आई होप अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।